इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ढूंढ कर निकालो। मैं क्या ढूंढ की बात मान लेती है, वही हमें चोरी और देवी को दिखाया जाता है, जिसे नमों की शादियों में पानी के नीचे बनी एक गुफा में रखा हुआ था। चोरी नमों से मिलने जाती है। चोरी को वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में दिखाई देता है, तो नमों से बताता है कि मेरी अम्मा का है। चोरी उसे बताती है कि ये तो बहुत ही पुरानी कला कर दिया है, लगभग आज से 1500 साल पहले की, इसीलिए क्या तुम तब से जिंदा हो। नमों से बताता है कि आज से बहुत वक्त पहले लगभग 1571 BC में मेरी माँ एक इंसान थी। जब मेरे गांव वालों को अपने खेत छोड़ने पड़े थे, जिस वक्त स्पेनिश के तानाशाह चेचक की महामारी और भूखमरी से परेशान होकर हमने कदम उठाया, हमारे वारिस और हमारे पूर्वजों के सपने में आए और उन्होंने हमें बचाने का रास्ता दिखाया। जहाँ देव ने उन्हें पानी में पत्थर में होती एक गोली पहुँचाया, जिसे मेरे सभी गाँव वालों ने पी ली, लेकिन उस इसलिए मेरी माँ उस बूटी को पीने से मना कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझ पर इसका बहुत बुरा असर होगा। मगर मेरे पिता ने उन्हें बूटी पीने के लिए मना लिया, क्योंकि उन्हें अपने देवता पर पूरा विश्वास था। उन्होंने उस बूटी के रेशों से ये ब्रेसलेट बनाया और मेरी माँ को पहना दिया। उस देर बाद बूटी का असर शुरू हुआ और सब बेहोश हो गए और बदल गए थे, जिससे वो हवा में सांस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए वो पानी की तरह हो गए, क्योंकि बूटी की वजह से अब उसी पानी में सांस ले पा रहे थे। मगर मेरे परिवार वाले खुश थे, क्योंकि हम लड़ाइयों और बीमारियों से कुछ दूर आ गए थे। फिर कुछ महीनों बाद यह जन्म हुआ और ये बाहरी और जलीय जाति से जन्मा एक खास बच्चा था। मेरे कान नुकीले और पैरों में पंख थे और मुझमें पानी और हवा दोनों में सांस लेने की काबिलियत थी। साथ ही मेरी उम्र धीरे बढ़ती है, इसीलिए मैं 1500 सालों से अभी तक जीता हूँ। मगर जब मेरी माँ मरी तो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें जमीन में दफनाया जाए, इसीलिए जब मैं उन्हें लेकर अपने गाँव पहुँचा तो वहाँ पहले से ही लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने मुझ पर भी हमला किया, मगर मैंने सभी को मार दिया। एक स्पेनिश पादरी ने मुझे खूंखार बेरहम बच्चा कहा, क्योंकि मेरी वजह से मरा था, जिससे मेरा नाम नमो पड़ा। फिर अपने सूरी को एक एडवांस रूट की मदद से अपनी रियासत तालाकोन सिटी की सैर करवाता है, जहाँ तालाकोन वासी खुशी से अपना गुजारा कर रहे थे। सूरी को भी वो सिटी काफी अच्छी लगती है। नमोर उन सभी का राजा होता है। नमोर सूरी से कहता है कि तुम भूमि से तालाकोन आने वाली पहली इंसान हो और उसे तोहफे में अपनी माँ का ब्रेसलेट देता है। कि मुझे अपनों के खोने का बहुत गम है, तो शुरू से कहती है कि मैंने भी अपने भाई को खोया है और मैं इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी उसे नहीं बचा पाई। नमोर से कहता है कि मेरे पूर्वज कहा करते थे कि जो टूट कर बिखरते हैं वही मसीहा बनकर निखरते हैं। शुरू से कहती है कि तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो, मगर मैं वकामा की राजकुमारी होने के नाते तुम्हें दीदी को मारने नहीं दूंगी और मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, इसीलिए हमें बीच का कोई रास्ता निकालना होगा। नमोर कहता है कि बात सिर्फ साइंटिस्ट की नहीं बल्कि उन लाजिक लोगों की है जो मासूम लोगों को गुलाम बनाते आ रहे हैं, वो भी इंसानों के लिए। इसीलिए मैं जब से राजा बना तब से मैं पूरी सेना को तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जंग की नौबत कभी भी आ सकती है और मुझे बस इतना जानना है कि वाकांडा हमारा दोस्त है या दुश्मन, क्योंकि मैं पूरी दुनिया पर हमला करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वाकांडा का साथ मांग रहा हूँ। शुरू कहती है कि तुम जो करने वाले हो वो हिमालयत है और अगर हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो क्या होगा। नमोर बताता है कि मैं रेडियो खत्म कर दूंगा और मेरा पहला हमला वकांडा पर ही होगा, उसके बाद मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। वही हमें नकिया को दिखाया जाता है, जिसे नकिया के कान के कम्युनिकेटर की मदद से पता चल जाता है कि उसे कहाँ छिपा कर रखा है, और सूरी के AI गिरोह की मदद से तालाकोन के एड्रेस पर पहुँच जाती है और वो एक खास शीट से आगे बढ़ने लगती है। वो उस गुफा में भी पहुँच जाती है जहाँ सूरी और रीडी को रखा गया था। वो गार्ड पर हमला कर बहुत खुश होती है। वही नमोर को जो पता चलता है कि वकांडा वालों ने उसके गार्ड को मारा है तो उसे गुस्सा आ जाता है और अब वकांडा पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। वही सूर्य वकांडा पहुंच जाती है, जहां पानी में सबसे पहले सोनी डिवाइस को लगवा देती है ताकि नमोर के लोग वकांडा में घुस जाते हैं और हर जगह तबाही मचाने लगते हैं। सूर्य जो की उसके साथ मिलकर नमोरा की सेना पर हवाई हमला करने हो जाती है। वही सेना अपनी सभी लोगों को हिप्नोटाइज करने लगती है, मगर आयो उन पर बॉम्ब से हमला करके उन्हें खत्म कर देती है। वही इन बातों पर नमोरा नजर आता है।
और अपने उन्हें भी काम में का यूज करके सर्विस को बेहतर कर देता है। मगर नकिया छुरी और अनेका को अपने जहाज में खींच कर बचा लेती है। वही नमो महल तक पहुँच जाता है जिसमे रमोना और दीदी मौजूद है। नमो उन पर अपने वाटर बम से हमला कर देता है जिसमें पूरी जगह पानी से भर जाती है। रमोना पानी में डूबने लगती है मगर उन्हें होश आ जाता है। लेकिन दीदी बेहोश होती है और उसे बचाने के लिए उसे ऊपर लाने लगती है जिससे उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। और नकिया भी वहाँ पहुँच जाती है। दीदी की जान तो बच जाती है मगर रमोना मारी जाती है जिससे छुरी बहुत दुखी होती है। नमो ने कहता कि मैं मरने के बाद अपनी पूरी फौज के सामने उतरूंगा, इसीलिए यहाँ पर मेरी दुश्मनों को मिटाने में मदद करो वरना मैं वकांडा का नाम निशानी मिटा दूंगा। और छुरी से कहता कि मैं अपना दिन संस्कार करो आज से तुम महाराज नहीं हो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब रमोना का दिन संस्कार किया जाता है जिससे छुरी पूरी तरह से घूम जाती है। क्योंकि पहले उसका भय नीचे उसकी बात समझ जाता है और आप सभी वकांडा के बेघर हुए लोग जवारी के गुले में शरण लेने लगते हैं। वही हमें रोज के घर पर दिखाया जाता है कि मेरे दिमाग को पता चल जाता है कि रोज उनकी खबर वकांडा तक पहुंचा रहा है। इसे वह सारिश कर लेती है। वही छुरी अगले दिन में पहुँच जाती है और उसकी जड़ी बूटी बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर देती है क्योंकि वो वकांडा को बचाने के लिए ब्लैक पैंथर बनाना चाहती है। और नमोर की माँ के नेकलेस के धागों के फाइबर को अपने भाई के डीएनए के साथ मिलाती है क्योंकि वो बूटी वाइब्रेनियम की खान में उगी थी, इसीलिए उनकी संरचना एक जैसी होनी चाहिए। अब वो ग्रियो को उस बूटी को बनाने के काम में लगा देती है। शरीर को गर्म करने के लिए एक शिप बनाना होगा और रीरी को ऐसा शिप बनाने को कहती है। साथ ही रीरी अपना आयरन हार्ट सूट भी बनाने लग जाती है। छुरी ओकोए को उसका नया सूट देती है जो बहुत पावरफुल होता है जिससे अब ओकोए को मिडनाइट एंजल के नाम से जाना जाएगा। अब छुरी सिंथेटिक जीवन बूटी बना लेती है जो ग्लो होने लगती है। नकिया भी देखकर खुश होती है और अब वो बूटी छुरी को पिला देती है ताकि अपने पूर्वजों की दुनिया में चली जाए। लेकिन छुरी की मुलाकात वह अपने परिवार वालों की बजाय किलमोंगर से होती है क्योंकि छुरी के दिल में बदले की आग थी। वो नमोर से बदला लेना चाहती थी। किलमोंगर से कहता कि तुम भी मेरी तरह हो क्योंकि तुम भी अपनी माँ का बदला लेना चाहती हो जैसे मैंने अपने बाप की मौत का बदला लिया था। अब छुरी वापस से होश में आ जाती है। नकिया उसे पूछती है कि तुमने विजन में किसे देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं बताती। वो उसे कहती है कि मैं किसी से नहीं मिली, भाई मुझसे मिलने नहीं आया। और गुस्से में एक डमी को हिट करती है जो दूर जाकर गिर जाता है जिससे वो समझ जाती है कि उसे ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ मिल गई। इसीलिए अपना जिन्होंने भी एम्बाकू के पास शरण ले ली थी। छुरी बहुत ही कमाल की एंटी करती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। एम्बाकू चेक करने के लिए कि छुरी के पास जीवन बूटी की ताकत है या नहीं, इसीलिए उसे पंजा लड़ाता है मगर वो हार जाता है जिससे उसे विश्वास होता है कि छुरी एक असली ब्लैक पैंथर बन चुकी है जिससे सभी को बात करती है। वो उसे बताती है कि नमो रुकने वाला नहीं है, उस पर दुनिया को खत्म करने का भूत सवार है, इसीलिए हम उसे मारना होगा और हम उसके लोगों से डर नहीं सकते। एम्बाकू भी उसकी बात में आ जाता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि छुरी पूरी वकांडा की सेना के साथ शिप लेकर निकलने लगती है। नकिया भी समझ जाती है कि छुरी जड़ी बूटी पीने के बाद किलमोंगर से मिली थी क्योंकि वह नमोर से अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। इसीलिए उसे समझाती है कि अगर तुम्हारा मकसद बदला लेना है तो बदला लेने के बाद भी तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुमने खो दिया है, बल्कि तुम्हें अपनी माँ की कमी और जगह करेगी जो तुम्हें अंदर से खोला कर देगी। छुरी कहती है कि मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरे सीने में अब दिल नहीं बचा। और यह मुझे पता जाता है कि मेरे अपनी मोशन में नमोर को अपने प्लान में फंसाने के लिए वहाँ वाइब्रेनियम डिटेक्टर रख दिया था। इसीलिए जब नमोर वहाँ पहुँचता है तो छुरी बड़ी चालाकी से अपने इनविजिबल शिप को विजिबल
जाने लग जाते हैं। जोड़ी अपनी डोरा मिला जे सेना के साथ मिलकर उन्हें मारने आती है। लेडी अपने प्लान के मुताबिक नमोर को शिवा फंसाने की कोशिश कर रही होती है, जिसके लिए उस पर लगातार हमला करके उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे शिव में पकड़ लेती है। छोड़ी भी खुशी में चली जाती है। अब शिव ने छोड़ी गर्मी पैदा करने वाले दीवार को अंगूर देती है, जिससे नमोर कमजोर होने लगता है। वही अब शिव पर नमोर के पकड़े जाने की वजह से एक बार को वापस के जहाज को पकड़ने की तरह मोड़ लेता है। मगर नमोर की सेना अपने दिल को बचाने के लिए वैज्ञानिकों की मदद से शिव पर हमला कर देती है और उसे भारी नुकसान पहुंचाती है, जिससे अब उन्हें वापस से खतरनाक लड़ाई होने लगती है। अब नमोर की सेना की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से छुरी की सेना उनसे हार रही थी। इसीलिए छुरी मदद के लिए बुला लेती है, जो अपने मिडनाइट अवतार में होती है। इसीलिए वो काफी पावरफुल हो चुकी थी और अपने एक और साथी अनिका के साथ चुकी है। वही नमोर कमजोर होने के बाद भी मगर नमोर चालाकी से भाले को छुरी के शेर के आंख पर निकाल देता है और नमोर की तरफ बढ़ने लगता है। मगर छुरी के दिल में बदले की आग होती है और वो कुछ भी करके नमोर को मारना चाहती थी और एक बार उसने इसीलिए उस भाले को आधा तोड़ देती है और उसमें से बाहर निकल आती है। अब वो नमोर के आगे आकर शेप की हेट से उसे बुरी तरीके से जला देती है, जिससे नमोर बहुत कमजोर हो जाता है। छुरी भाले से उसे मारने लगती है मगर वकांडा और तारकन के फ्यूचर के बारे में सोचती है, क्योंकि तारकन और वकांडा के लोग जंग से पहले बहुत खुश थे। और अब छुरी को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे कहती है कि दिखा दो उसे कि तुम असली वकांडन हो। इसीलिए अब छुरी अपने भाई की तरह रैंडी बनती है और नमोर से कहती है कि हमें लोगों के खातिर हार मान लो, क्योंकि बदले की आग हमें खा रही है। बदले की वजह से हमारे लोग अपनी जाने गंवा रहे हैं, तो नमोर भी अपने लोगों के खातिर हार मान लेता है। वही नमोर के लोग छुरी के काफी बचे हुए साथियों को मारने वाले थे, मगर तभी छुरी नमोर के साथ वहाँ पहुँच जाती है, जिससे नमोर जंग को रुका देता है। ये बात खुश होते वापस से वकांडा लौट आते हैं और वकांडा के लोग की तरह वापस से खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। छुरी को एक बगीचे में उगा देती है। अब वो रीदी से बात करती है कि तुम वापस जा रही हो, मगर मैं तुम्हें सूट अपने साथ लेकर नहीं जाने दे सकती। रीदी भी उसकी बात मान लेती है। छुरी अब उसे अपनी गाड़ी दिखाती है, जो एक ब्याह से बसते वक्त पूरी तरह से टूट चुकी थी, मगर छुरी ने उसे पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। रीदी उसे देख कर बहुत खुश होती है और बताती है कि मेरी बेटी आगे